Thank you हेलो दोस्तों मैं तो अहमद फिज़िक्स टीचर दोस्तों दुनिया की हर चीज़ों में रुकावट है चाहे वो हमारी लाइफ हो हमारी तरक्की हो या फिर हमारी पढ़ाई हो तो आज हम बात करेंगे कि हमारा फिज़िक्स बेहतर कैसे हो हम फिज़िक्स में 90 प्लस मार्क्स कैसे प्राप्त करें तो इसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं खुद प्रयोग कर फ़िज़िक्स में नाइन्टी प्लस मार्क्स प्राप्त किया था इन सारी टिप्स को मैं आपके सामने एक एक करके बताऊंगा तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों पहला है टाइम टेबल दुनिया का हर चीज़ समय के अनुसार चलता है कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है हमें एज ए स्टूडेंट के रूप में चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट का समय सारने निश्चित हो मॉर्निंग में किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है इवनिंग और नाइट में कितना समय देना है किस सब्जेक्ट को उसका एक रूटीन हो डेटा हो अब ऐसा नहीं कि किसी दिन पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं किसी दिन पढ़ रहे हैं तो पूरा मैथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हर सब्जेक्ट का एक निश्चित टाइम टेबल हो समय सारणी हो इससे आपका स्टडी सिस्टमेटिक होगा बच्चों दूसरा है स्टडी एवरीडे मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन हर एक रोज़ पढ़ना है बच्चे अक्सर क्या करते हैं एक दिन आठ घंटा पढ़ लेते हैं उसको लगता है अरे यार पूरा चैप्टर समझ में आ गया फिज़िक्स मुट्ठी में आ गया जी बिल्कुल यह गलत प्रोसेस है आपको दो घंटा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है और हर सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक टाइम देना है मतलब कि हर सब्जेक्ट को आपको एक निश्चित टाइम देना है तीसरा है रीड एन सी आर टी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक्स रेफरेंस बुक्स को टेक्स्ट बुक का हेल्पिंग बुक भी कहा जाता है अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर बुक समझ में ही नहीं आती है दोस्तों आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब बचपन में ए बी सी या वन टू थ्री पढ़ते थे तो आप याद कीजिए कि आपको कितना कठिन लगता था वो छब्बीस अल्फाबेट लेटर आप जैसे ही ए बी से सी डी की ओर बढ़ते थे तो ए भूल जाते थे फिर ए बी जैसे पढ़ते थे सी डी भूल जाते थे लेकिन क्या आज वो आपके लिए हार्ड है नहीं ना बिल्कुल इसी प्रकार आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा कर बुक्स स्टडी करेंगे टीचर से हेल्प लेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा तो आप कोशिश करें कि बुक स्टडी करें कहते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है आज इंसान अपनी ह्यूमन ब्रेन मानव दिमाग का यूज़ कर करोड़ों आविष्कार कर चुके हैं आप हजारों साइंटिस्ट के हज़ारों आर्टिस्ट के कहानी सुन चुके हैं ऐसे हज़ारों विद्वान है जो अपनी मेहनत से धीरे 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 जो आदि मानव था उसके लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर चुका है इसीलिए आप कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक या फिर जो आपके रिफ़रेंस बुक हैं क्लास के उसको आप थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करें डेली करें चौथा है रीड टॉपिक्स बिफोर क्लास अब ऐसा मत करो कि क्लास में जाके बहुतों की तरह मत बैठ जाओ क्लास से पहले आप उस टॉपिक को कुछ पढ़ के जाओ अब क्लास में बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रिक करेंट चल रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस इस सब शब्द की तो ज़रूरत पड़ेगा ही बगल में बैठा दोस्त को पूछ रहे हैं ये चार्ज क्या होता है रे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है रे यानी <laughs> आप ख़ुद के साथ बगल वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो याद रहे आप क्लास से पहले हमेशा उस टॉपिक्स को पढ़ के जाए मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको हंड्रेड परसेंट फिजिक्स समझ में आएगी आप जितना भी मैं स्टेप बाय स्टेप जो टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको फॉलो ज़रूर करें आपको हंड्रेड परसेंट फिज़िक्स समझ में आएगी पाँचवा टिप्स है अटेंड क्लास डेली अगर आप बीच बीच में क्लास ड्रॉप करते हैं तो यकीन मानिए आप फिज़िक्स नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उस सब्जेक्ट से आप मजाक कर रहे हैं आप घर में या अपने रूम में भले ही दो घंटा कम पढ़िए लेकिन क्लास हमेशा कंटिन्यू अटेंड कीजिए क्योंकि फ़िज़िक्स सिस्टमेटिक स्टडी है दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप क्लास हमेशा डेली अटेंड कीजिए क्लास किसी भी हाल में मत छोड़िए कोशिश कीजिए कि आप क्लास आपका ना छूटे ठीक है अगर क्लास छूट भी जाता है तो आप अपने दोस्त से फ्रेंड से जो अड़ोसी पड़ोसी जो आपके बगल में रहता है आप उससे कॉपी लेके आप उसको नोट कर लीजिए आप टीचर से जाके समझ लीजिए या अपने दोस्त से समझने का कोशिश करें अगला सिक्स नंबर टिप्स है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड स्लोली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो राजधानी एक्सप्रेस से भी फास्ट होते हैं वो रोबोट की तरह बुक्स और कॉपी में आँख घुमाएंगे उसे लगता है कि पूरा फिजिक्स याद हो गया और ये जो बात है ना 90% परसेंट स्टूडेंट्स में पाया जाता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कोई स्टूडेंट्स एक घंटे में दो टॉपिक्स पढ़ता है और कोई स्टूडेंट एक घंटे में दस टॉपिक पढ़ता है अगले दिन जब दोनों क्लास जाते हैं तो जो दो टॉपिक्स पढ़ के आए हैं वो पूरा का पूरा सुना देता है लेकिन जो दस टॉपिक्स पढ़ के आए हैं वो कुछ भी सुना नहीं पा रहा है तो आप ही बताइए दो टॉपिक्स पढ़ना बेहतर है या फिर दस टॉपिक पढ़ना बेहतर है इसलिए बच्चों पहले आप धीरे धीरे पढ़ाई करें जैसे जैसे आपको समझ में आएंगे आप फिर अपना स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे अगला यानी सातवां टिप्स है हेल्प टीचर यानी आप टीचर का हेल्प लीजिए आपका टीचर कोई भी हो सकता है मम्मी पापा भाई बहन दोस्त या फिर कोई रिलेटिव्स क्योंकि जो काम टीचर क्षण भर में कर देंगे कोई भी नहीं कर सकता है कई बार होता है कि हम किसी नेमरिकल्स या क्वेश्चन में उलझ जाते हैं बहुत सारे बुक्स स्टडी करते हैं कॉपीज स्टडी करते हैं नहीं लेकिन नहीं होता है लेकिन टीचर से जैसे ही पूछते हैं तो वो क्षण भर में जो दो घंटा में नहीं हुआ वो दो मिनट में बता देते हैं तो टीचर से बड़ा साथी कोई नहीं होता है इसलिए आप टीचर का हेल्प जरूर लें दोस्तों इन सातों टिप्स को आप अपने सब्जेक्ट या लाइफ में सेट कीजिए आपको फिज़िक्स या फिर अन्य किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर बनने से नहीं रोक सकता है आप उम्मीद कीजिए यक़ीन मानिए आप इन सेवन पॉइंट्स को लिखिए मैं स्क्रीन में दे चुका हूं आप स्टेप बाय स्टेप इसे नोट कीजिए और इसको फॉलो कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना